नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीके टाइम्स और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। तो फिलहाल हमारे साथ हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य जी मौजूद हैं, उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए क्या कुछ अब ठोस कदम उठाए जाएंगे। महाराज जी, हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकने के लिए क्या कुछ ठोस कदम उठाने होंगे अब? आज जयपुर नगर की अपराकाशी में रामलीला मैदान से एक यात्रा प्रारंभ की है, जन आक्रोश। बांग्लादेश में जिस प्रकार से लोकतंत्र खत्म हो गया, जिहादियों ने बांग्लादेश को घेर कर, ISI ने अपने विद्यार्थियों के कंधों पर बंदूक रखकर सनातनियों के मठ मंदिर आश्रम को समाप्त कर दिया, सनातनियों को अब चौराहे पर टांगने का काम कर दिया, माता बहनों के साथ में दुराचार शुरू कर दिया। सनातन के अन्यायी कहीं रहे पूरी दुनिया में, उसके जिहादी लोग शत्रु बने हुए हैं और उसी का प्रमाण है पाकिस्तान, उसी का प्रमाण था कश्मीर और उसी का प्रमाण है बांग्लादेश। आज ये मांग की जा रही है सर्व हिंदू समाज की ओर से, सनातन की ओर से, अखिल भारतीय संत समिति की ओर से कि सारे जिहाद के संगठन को पाबंद करे, बंद करे। पूरी दुनिया में जो शांति के प्रतीक है सनातनी लोग, उनके ऊपर जो आक्रमण कर रहे हैं, तो इन जिहादियों के संगठन को बंद करें, बांग्लादेश में रहने वाले सनातनियों की सुरक्षा रक्षा हो और बांग्लादेश के हमारे जितने भी धर्म स्थल हैं उनकी सुरक्षा रक्षा हो, और बांग्लादेश से अगर कोई हमारे सनातनी भारत आना चाहें तो उनको आने की पूरी व्यवस्था सुविधा हो। यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को, अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष को सामूहिक रूप से इस बारे में अब चिंतन की आवश्यकता है कि जिहाद पूरी दुनिया से खत्म होना चाहिए। ये अशांति के प्रतीक हैं, ये जिहादी ये पूरी दुनिया में चाहे हुए हैं, इन पूरी दुनिया में इन जिहादियों को खत्म करने की जरूरत है। मोदी जी तो इस पर संज्ञान ले चुके हैं, तभी तो देखें इतना कंट्रोल है। और आप देखें कि किस प्रकार से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कर रही हैं और कैसे माता बहनों की सुरक्षा है, इसी प्रकार से बांग्लादेश में देखिए आप कि लोकतंत्र को नहीं मानते, प्रशासन को नहीं मानते। आज ये स्थिति है कि वहाँ तांडव मचा हुआ है और इस प्रकार का आतंकवाद फैला हुआ है कि वहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। तो मेरी निवेदन है, प्रार्थना है सरकार से कि वहाँ पर समस्त सनातनियों को सुरक्षा दी जाए, सनातन के मठ मंदिरों को बचाया जाए। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे क्या बांग्लादेशी हिंदुओं को आने देंगे? अगर वो आते हैं तो हमें सैर स्वीकार है और वहाँ भी उन्हें सुरक्षा होनी चाहिए। उनकी मदरलैंड है, उनके घर बार हैं, उनके मठ मंदिर आश्रम पूजा स्थान है, उनकी यादें जुड़ी हैं, तो उनको वहाँ रहने में भी सुरक्षा होनी चाहिए।